नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। दोस्तों BSF ने या फिर हम बोले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दो पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट निकाली है। एक निकाली है रेडियो ऑपरेटर के लिए, हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, और दूसरी निकाली है हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। चलो इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, किस में क्या सैलरी है, कितनी एज चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कैसे सिलेक्शन होगा, सब कुछ डिस्कस कराइए इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताया था ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होएगी और कब तक इसकी लास्ट डेट है भरने की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन एट विद रिस्पेक्ट टू 14/5/2019 से स्टार्ट होएगी 1 बजे पर, और जो ये इसका लास्ट डेट है वो है 12/6/2019 रात को 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेंगे पे स्केल की। पे स्केल की बात करें तो जो हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उनकी जो पे मिलेगी उनको लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी, और जो रेडियो मैकेनिक है हेड कॉन्स्टेबल उनको पे मिलेगी 25,000 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक एज़ पर द 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अदर अलाउंस जॉब के अलावा सैलरी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा। दिस पोस्ट शैल कैरी डियरनेस अलाउंस मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, एडमिशन फॉर्म टाइम टू टाइम मिलेगा, स्पेशल कंपनसरी अलाउंस मिलेगा, ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। आप पढ़ लेना, मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो 75% जो कोटा होगा वो आपका होगा डायरेक्ट एंट्री का, और जो 25% कोटा होगा डायरेक्ट एंट्री मतलब 75% के जो बच्चे आएंगे वो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करके आ सकते हैं, और जो 25% के आएंगे वो डिपार्टमेंटल के लोग होंगे, मतलब BSF के खुद के लोग होंगे, वो जो अप्लाई करेंगे उनका 25% रिजर्वेशन है और बाकी 75% लोग डायरेक्ट अप्लाई आ सकते हैं जो नॉर्मल लोग हैं। अगर हम रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो टोटल पोस्ट इसकी है 300, और अगर मैकेनिक की बात करें तो टोटल पोस्ट है इसकी 772। टोटल हमारे पास 1072 1072 पोस्ट है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो इसकी एज लिमिट है जो जर्नल के लिए है, जर्नल वालों की एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए, जर्नल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नोट बिलो 18, जर्नल वालों के लिए 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम OBC की बात करें तो उनकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर SC और ST कैटेगरी की बात करें तो उनकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट के बारे में। बाकी जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो, मैं आप इसका लिंक जो है नोटिफिकेशन का, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जॉब वगैरह के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट वगैरह तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।